हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हम हमारा जो चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीज, उसके अंदर हम डिजीज पढ़ रहे थे और हम लास्ट वीडियो के अंदर हमने टाइफाइड डिजीज पढ़ी थी। इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करने वाले हैं और डिजीज जो है हमारे पास सेकंड जो है वो है आपको के पास निमोनिया। ठीक है, जो नेक्स्ट डिजीज है वो कौन सी है? निमोनिया बहुत ही कॉमनली फाउंड डिजीज है, जनरली आप जिसके बारे में जानते भी होंगे और हो सकता है कि आपके आपके आसपास इसके ऐसे पेशेंट आप देखते हो। ठीक है, देखे भी होंगे आपने बहुत ऐसे पेशेंट्स निमोनिया के। तो स्टूडेंट्स, निमोनिया जो होता है इसका सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सा क्या है इसका कॉजिंग एजेंट्स की बात कर लेते हैं। इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो एक बैक्टीरिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, क्या है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। फिर इसके कॉज की अगर बात करें तो कॉज जो होता है स्टूडेंट्स, हम बात करें तो ये बैक्टीरिया जो होता है क्या होता है, इनहेलेशंस के थ्रू क्या होता है बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो अगर हम बात करें मेनली जो एयर के अंदर क्या होते हैं ये कॉजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। या अगर हम बात करें जो कोई पेशेंट जो होता है निमोनिया का, जब वो स्नीज करता है, कफ करता है या ड्रॉपलेट्स जो होती है उसकी बॉडी से बाहर आती हैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। और उसके साथ अगर मान लीजिए कोई हेल्दी पर्सन की अगर रहे नहीं कर रहा है उन एयर को सराउंडिंग में, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ये एंटर कर जाते हैं। और एंटर करने के बाद क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर जाके जो लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या होती है, एल्वियोलाइज होती है, उनके अंदर जाके इन्वेजन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है और उसकी वजह से क्या होते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं इसके अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो ट्रांसफर कैसे होता है, अगर कॉजेस की बात करें तो एयरबोन पैथोजेंस जो होते हैं उनके इनहेलेशन के थ्रू, या अगर हम बात करें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसके बाद अगर बात करें और कॉजेस के अंदर मेनली जो इसके अंदर क्या होते हैं, जो लंग्स हैं, लंग्स के एल्वियोलाइज जो है, ठीक है, वो क्या होते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, अफेक्ट होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है। सिम्टम्स की अगर बात करें, सिम्टम्स तो स्टूडेंट्स के अंदर मेनली आपको क्या देखने मिलता है, आपको आपको इसके अंदर कफ हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, खांसी हो जाती है इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम बात करें तो आपको इसके अंदर लाइक स्नीजिंग है, या इसके बाद अगर हम बात करें फीवर होता है इसके अंदर, चिल लगती है, चिल महसूस होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और बात करें जो अपीयरेंस अगर वाइज इसकी बात करें, आइडेंटिफिकेशन अगर करनी होती है तो उसको अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो नेल्स हैं, ठीक है, इनका कलर जो होता है क्या होता है, ब्लूइश कलरेशन जो होती है इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, लिप्स और जो नेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लूइश कलर के क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, जो है वो करते हैं इसके इंडिकेशन जो होते हैं इसके प्रोवाइड करते हैं इसके निमोनिया के। तो स्टूडेंट क्या होता क्या है कि कॉजिंग एजेंट क्या है इसका, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। और होता कैसे है, ये ट्रांसफर कैसे होता है, अगर कोई पेशेंट जो है उसके स्पटम जब बाहर आता है तो कफ करता है, तो स्पटम जब बाहर आता है तो स्पटम जो क्या होता है, ड्राई होता है, तो एयर के अंदर क्या होते हैं, वो कॉजिंग एजेंट लिबरेट हो जाते हैं। जब उन एयर के सराउंडिंग में कोई हेल्दी पर्सन क्या करता है, इनहेल करता है उस एयर को, तो उसके साथ क्या होता है, बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। और एंटर करने के बाद इन्वेजन कॉज करते हैं किसके अंदर, लंग्स के एल्वियोलाई सेल्स के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड एक्युमुलेट करते हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चेस्ट में क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, कफ होता है, कफ करते हुए भी क्या होता है, पेन होता है इसके अंदर। ठीक है, ठंड लगती है, फीवर आता है, बॉडी पेन होता है इसके अंदर। ठीक है, गले में दर्द रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमारे पास। ठीक है, प्रिवेंशन करने के लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, तो प्रिवेंशन स्टूडेंट्स आपका जो कॉजिंग होने का तरीका होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी की फैमिली में इस टाइप की डिजीज कॉज हो जाती है तो जनरली क्या करें, उसको आइसोलेट करें। ठीक है, और उसकी प्रॉपर क्लीनिंग, क्लीनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, क्लीनिंग क्या है बहुत अच्छे से की जाए, वाकि उसका जो स्पटम स्पटम रहता है, अगर कोई चीज ऐसी जो रिलीज कर रहा है तो उसको क्या करें, अच्छे से क्या करें, उसको अच्छे से पैक्ड कंडीशन के अंदर क्या है, उसको अच्छे तरीके से क्या करें, डिस्पोज करें उसको। ठीक है, और बाकी जो क्लीनिंग है, पर्सनल हाइजीनिंग है, जो उस पर्सन की हाइजीनिक है उस कंडीशन को क्या करें, मेंटेन करें, प्रॉपर मेडिकेशंस करें, तो ये क्या है, इसका प्रिवेंशन के तरीके है। ठीक है,
तो सिंपल सा है स्टूडेंट्स, निमोनिया पूछ लेते हैं इसके बारे में। जनरली आपको सिम्टम्स जो है याद रखने होते हैं और उसका कॉजिंग एजेंट जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट डिजीज पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट डिजीज जो है हम बात कर लेते हैं किसकी, कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड की एक बार अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड की स्टूडेंट्स, तो कॉमन कोल्ड का जो कॉजिंग एजेंट है, ये एजेंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ वायरसेस है जिनको हम क्या बोलते हैं, राइनो वायरसेस। ठीक है, क्या नाम है इनका, राइनो वायरसेस। तो ये भी आपको याद रखना है कि कॉजिंग एजेंट क्या है इनका, राइनो वायरसेस। कॉमन कोल्ड स्टूडेंट्स ऐसी डिजीज है जो जनरली क्या होती है, होती रहती है। ठीक है, बार बार क्या होता है, सेट इनका अटैक जो होता रहता है इंडिविजुअल्स के ऊपर होता रहता है। तो अगर इनकी बात करें तो कौन कॉज करता है इनको, राइनो वायरसेस कॉज करते हैं। ठीक है, अगर इनका स्प्रेड का तरीका देखें हम यहाँ पे, तो स्प्रेड के अंदर कैसा होता है, अभी हमने बात की जैसे क्या होते हैं, एयरबोन होते हैं, इसके भी एयरबोन पैथोजेंस हैं। और अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है जिसको कॉमन कोल्ड है, वो अगर वो क्या कर रहा है, सराउंडिंग में बात कर रहा है, तो एयर बोन के थ्रू रहता है अपनी बॉडी में से, स्नीजिंग या वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू। ठीक है, या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, ड्रॉपलेट जो होता है स्नीजिंग की फॉर्म में रहता है, जब वो रिलीज करता है एयर के अंदर, तो उसके साइड में जो भी है उसके सराउंडिंग में कोई हेल्दी पर्सन है, तो जब वो इनको इनहेल करते हैं इस एयर को, तो उसके बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ये रीच कर जाते हैं, और बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो सिम्टम्स आपको पता है कैसे होते हैं, स्नीजिंग है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें, नेजल कंजेशन हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, हेडेक रह जाता है इसके अंदर। ठीक है, और नेजल डिस्चार्ज होता है, वॉइस क्या होती है, चेंज होती है, हॉर्सनेस आ जाती है वॉइस के अंदर। ठीक है, तो ये सारे क्या है इसके अंदर, सिम्टम्स जो होते हैं हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर, कॉमन कोल्ड के अंदर। और इसका कुछ इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इनका, वो होता है 3 to 7 days का। ठीक है, 1 to 3 days, और इसका अटैक का पीरियड कितना होता है, 3 to 7 days रिकवरी। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 1 to 3 days का रहता है, और रिकवरी की अगर बात करें तो 3-7 days के अंदर क्या होते हैं, रिकवरी हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, प्रिवेंशन के लिए सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन मिलता है जिसके कॉमन कोल्ड है, तो आप जल्दी क्या कर सकते हैं, उससे थोड़ी सी डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग वाला पार्ट जो है, मतलब उसको मेंटेन कर सकते हैं, ताकि इससे क्या कर सके, उससे हम प्रिवेंशन अपने आप को कर सके। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिजीज की। और नेक्स्ट डिजीज हमारे पास है एमीबाइसिस। एमीबाइसिस, एमीबाइसिस जो डिजीज है स्टूडेंट्स, कॉजिंग एजेंट जो है इसका, कॉजिंग एजेंट है इसका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अब ये क्या है, एक अमीबा है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें स्प्रेड किस तरीके से होता है या कॉज कैसे होता है इसको, तो इसके अंदर होता है, किसके थ्रू होता है, ये कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। ठीक है, अब कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू क्या होता है, जनरली क्या होता है इसके अंदर जो पेशेंट्स होते हैं, जनरली आपको पता ही है, जनरली क्या होता है, पर्सनल हाइजीन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो अगर हम बात करें इनके जो फीसिस होते हैं, अगर वो ड्राई खुले के अंदर क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है अपने फीसिस को, तो उसके अंदर क्या होता है, ड्राई होने पर क्या होता है, ये लिबरेट हो जाते हैं, या फिर इनके जो सिस्ट होते हैं, जो एग्स होते हैं, ठीक है, इनके जो सिस्ट होते हैं उनके क्या होती है, जो हाउस फ्लाई होती है। तो यहाँ पर एक कॉमन वेक्टर जो है वो भी याद रखना है आपको, कि यहाँ पर जो कॉमन वेक्टर है वो यहाँ पर कौन काम करती है, हाउस फ्लाई। और हाउस फ्लाई के अलावा क्या होते हैं, कॉकरोचेस भी माने जाते हैं। ठीक है, जो इसको स्प्रेड करने में करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इनके सिस्ट जो होते हैं इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और जब क्या करते हैं, हाउस फ्लाई करते हैं, फूड या वाटर के ऊपर क्या होती है, सिट होती हैं, या उनको क्या करते हैं, कॉन्टेमिनेट कर देती है उस फूड और वाटर को,
और अगर वो कॉन्टेमिनेटेड वाटर जिसके अंदर सिस्ट प्रेजेंट है इनके, अगर कोई बॉडी इनहेल कर लेता है बॉडी के अंदर, इनटेक कर लेता है उनका, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, ये रिलीज हो जाते हैं। और रिलीज होने के बाद ही करते हैं ये जो इन्फेक्शन जो कॉज करना शुरू करते हैं, अगर हम बात करें तो मेनली कहाँ पे करते हैं, ये इंटेस्टाइन जो होती है उसको क्या करते हैं, इन्फेक्टेड इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेनली क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है उसको क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करना शुरू करते हैं। और ये जो अमीबा एंटामेबास्कुलेटी का है, ये क्या करते हैं, सर्टेन एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं बॉडी के अंदर। और ये एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है उसको क्या करते हैं, डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो समर अगर क्रिटिकल कंडीशन हो जाए, अगर या सीवियर कंडीशन हो जाए, तो उस केस के अंदर क्या होते हैं, ये जो स्टूल होता है उस पेशेंट का, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, इंडिकेशन प्रोवाइड करता है टेटरन्यूक्लियस स्टेज की। ठीक है, जो किसकी है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है। तो एक एंडोपैरासाइट है जो बॉडी के अंदर जाके करता है इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, डिजीज कौन सी है, एमीबाइसिस, नाम पता लग जाएगा, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, स्प्रेड के तरीके क्या है, कॉन्टेमिनेशन फूड एंड वाटर के थ्रू क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। ठीक है, कॉमन वेक्टर जो है यहाँ पर हाउस फ्लाई है, उसके अलावा कॉकरोचेस जो होते हैं वो भी स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं इन्फेक्शन, एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, और एंडोटॉक्सिन क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं वॉल को इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, डायरिया या इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स जो होते हैं वो सिम्टम्स की फॉर्म में क्या होते हैं, दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनके अंदर हम सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, तो सिम्टम्स के अंदर आपको पता है कि जब कॉन्टेमिनेशन फूड एंड वाटर से मिलता है, जल्दी क्या होता है, इसके अंदर स्टमक एक मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, इसके अलावा इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स के अलावा जो सम क्या होता है, ब्लड मिलता है, ब्लड विद स्टूल्स। ठीक है, और लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, ये सारे क्या है, सिम्टम्स जो होंगे देखने को मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, और प्रिवेंशन करने का तरीका क्या है, प्रिवेंशन आपको याद रखना है, मेन हमारे पास क्या है, स्प्रेड कौन कर रहा है इसको, वेक्टर कौन है इसका, हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई से क्या करना है, पर्सनल हाइजीन और क्लीनलीनेस पर क्या करना है, प्रॉपर ध्यान देना है, हैंड्स क्लीन करने हैं। ठीक है, और प्रॉपर अगर क्लीनिंग और हाइजीन कंडीशन है तो उससे क्या उससे बच सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या थे, तीन डिजीज थी, कौन कौन सी थी, निमोनिया, कॉमन कोल्ड एंड एमीबाइसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।